कृति फाउंडेशन ऑल इंडिया परिवार ट्रस्ट सामाजिक संगठन मुरादाबाद उत्तर प्रदेश की ओर से सिविल लाइन स्थित पंचायत भवन सभागार में ट्रस्ट के पंचम वर्षगांठ उत्सव और सम्मान समारोह सांस्कृतिक कार्यक्रम का तो वही कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की संयोजिका अल्पना रितेश गुप्ता और विशिष्ट अतिथि के रूप में सैनी समाज के जिलाध्यक्ष CP सैनी और समाज सेवी नीतू सक्सेना आरती गुप्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थापक और अध्यक्ष RK भारत ने की। कार्यक्रम में विभिन्न संस्थाओं के बच्चों द्वारा विभिन्न गानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें बच्चों ने देशभक्ति के गाने और धार्मिक गानों पर अपनी प्रस्तुति दी। ट्रस्ट की ओर से कार्यक्रम में मुरादाबाद के सभी सामाजिक संगठनों और सभी पत्रकारों के साथ हाईस्कूल और इंटर में मेधावी छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। ट्रस्ट द्वारा लोगों को पटका पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान कृति फाउंडेशन ऑफ इंडिया परिवार ट्रस्ट के संस्थापक और अध्यक्ष RK भारत ने कहा कि उनके संगठन का उद्देश्य है कि हर गरीब पिछड़ों को कैसे मदद पहुंचाई जाए। उन्होंने कहा कि हमारे संगठन का यही उद्देश्य था। आज उसी के माध्यम से उन लोगों ने अपने मंच पर उनके हुनर दिखाने का मौका दिया है, जिससे उनकी प्रतिभा को निखारा जा सके। सामाजिक संगठन है कृति फाउंडेशन ऑफ इंडिया परिवार, जो 2018 6 जून को हमने इसको रजिस्टर्ड कराया था। आज इसका 5वां वार्षिक उत्सव पंचायत भवन कंपनी बाग में हम इसको मना रहे हैं। क्या उद्देश्य रहता है आपकी संस्था का? देखिए, हमारा जो मोटिव था, सबसे पहले ज्यादातर लोग संगठन बनाते हैं पैसे के लिए, लेकिन हमारा मोटिव था जो गरीब पिछड़े लोग हैं उन तक हम कैसे अपनी मदद पहुँचा सकें। हम लोग उन बच्चों को यहाँ मौका दे रहे हैं आज, जो बच्चे पिछले पायदान पे हैं, हुनर है उनके अंदर लेकिन मंच नहीं मिल पाता। हमने इस कार्यक्रम में उन ऐसे सभी बच्चों को मौका दिया है प्रस्तुति देने का, और उन बच्चों को हम सम्मानित कर रहे हैं आज यहाँ पे। शहर के समाज सेवियों को भी हम लोग सम्मानित कर रहे हैं और मीडिया बंधुओं को हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। बाकी बीच बीच में सर्दियों में कम्बल वितरण का हम लगातार कार्य करते रहते हैं। साथ ही इस मौके पर भाजपा महानगर उपाध्यक्ष चंदन कुमार, डॉक्टर आकांक्षा भारत, संजना गुप्ता, जीनत चौधरी आदि भारी संख्या में समाज सेवी और संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे।